फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस R7। आज हम करने वाले हैं स्टमक को फ्लैट कर देने वाली पांच एक्सरसाइज 5 मिनट में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वार्म अप, क्योंकि बॉडी को हिट करना है जरूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें वार्म अप। वार्म अप के बारे में मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा दूं कि जिस तरह खाने में नमक ज़रूरी है, उसी तरह वर्कआउट और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप ज़रूरी है। वार्म अप में हम करेंगे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज स्टार जंप 30 सेकेंड्स के लिए। हम टोटल 1 मिनट के लिए वार्म अप करेंगे, 30 सेकेंड्स स्टार जंप और 30 सेकेंड्स हाई नीज करेंगे। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है हमें वर्कआउट शुरू करने से पहले। अपनी कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें अपनी बॉडी को हिट करना है, हमें हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है ताकि हम किसी भी इंजरीज से बच सकें। सो कंटिन्यूसली परफॉर्म वार्म अप एटलीस्ट 1 मिनट। लास्ट 5 सेकेंड्स मोर। इसके बाद में हम करेंगे 10 सेकेंड रेस्ट, और 10 सेकेंड हमें रेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए तैयारी करनी है। हमारी पहली एक्सरसाइज है हील टच। हील टच एक्सरसाइज परफॉर्म करें इसी तरह सेम स्टाइल में। जब आप अपने हील को टच करते हैं तो 2 सेकेंड्स के लिए पॉज करना है, लाइक 1 2 1 2 1 2। इसी तरह कंटिन्यू 1 मिनट के लिए आप परफॉर्म करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी अगर आप के मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट्स कर सकते हो। इनिशियल स्टेज में 1 मिनट कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करना आपके लिए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होगा, बट आपका जो फैट लॉस गोल है उसके आगे ये कुछ भी नहीं। तो अब तैयार हो जाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। हमारी अगली एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक का पता होना चाहिए। आप देखें कि मैं किस फॉर्म और टेक्निक के साथ में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूं। आप मुझे फॉलो करें। रशियन ट्विस्ट एक्सरसाइज का ये तरीका थोड़ा सा एडवांस है। बिगिनर्स को किस तरह परफॉर्म करना है देखिए। रशियन ट्विस्ट का ये तरीका मॉडिफाइड किया गया है बिगिनर्स के लिए। तो अपने दोनों हील को फ्लोर पर टच रखें और अपने टॉर्सो को मूव करें लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अपने हील से फ्लोर का सपोर्ट लेने से आपके बॉडी का वेट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और आप रशियन ट्विस्ट एक्सरसाइज को आसानी से परफॉर्म कर लोगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेग रेजेस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लेग्स को बिल्कुल सीधा नहीं करना है, आपको लिटिल बिट अपने नीज को बेंड करके रखना है ताकि आपको लोअर बैक इंजरीज ना हो। अपने दोनों हाथों को हिप के नीचे सपोर्ट दें ताकि आपको लोअर बैक पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप लेग को रेज करते हो, लेग को सीधा करते हो, तो 90 डिग्री ही करना है, 90 डिग्री से ज़्यादा ना करें। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपके लोअर एब्स पे जो टेंशन आपने मेंटेन किया हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। आपको पूरी एक्सरसाइज में पूरे 1 मिनट तक अपने लोअर एब्स पर टेंशन मेंटेन करके रखना है, तभी आप अपने लोअर एब्स और बेली फैट को आसानी से बर्न कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
अब हम करेंगे बाइसाइकिल क्रंचेस। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल भी आसान ना समझें और अनइफेक्टिव ना समझें। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके फैट को बर्न करने के लिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर सकते कंटिन्यूसली 1 मिनट के लिए, तो प्लीज़ स्किप भी ना करें। इसे आप डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, 30 सेकेंड करें और 10 सेकेंड रेस्ट करके फिर 30 सेकेंड कर लें, या डिवाइड करते 3 पार्ट्स में, 20 सेकेंड करके 10 सेकेंड रेस्ट फिर 20 सेकेंड कर लें, बट स्किप ना करें। इस एक्सरसाइज का बहुत फ़ायदा है आपको, आपको इसे हर हाल में परफॉर्म करना ही है प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर टेक्निक के साथ में। आप देखें मैं किस तरह परफॉर्म कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे फॉलो करें, लेकिन इस एक्सरसाइज को स्किप ना करें। रुकना नहीं है, बस 5 सेकेंड और कंटिन्यू। ये डन, नाउ 10 सेकेंड रेस्ट, बट हमें अगली एक्सरसाइज की तैयारी करना है। अब हमारी 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक परफॉर्म करेंगे 1 मिनट के लिए। इस एक्सरसाइज के भी बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। आप इस एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में भी रख सकते हैं। डेली आप अगर जिम जाते हो तो जिम का वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद में भी 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को डेली परफॉर्म करें। इससे आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ गेन होती है। ये एक्सरसाइज यूजुअली तो हम एब्स ट्रेन करने के वक्त ही करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को माना जाता है कि ये कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बट फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ गेन होगी। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को भी आप स्किप ना करें, इस एक्सरसाइज को भी आप कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहें। बस लास्ट 5 सेकेंड्स और इसके बाद में हमारा आज का प्रोग्राम फिनिश। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है वो 5 एक्सरसाइज जो आपके स्टमक को बिल्कुल फ्लैट कर देगी। जी क्या सवाल आया आपके मन में? डाइट। हाँ, डाइट करना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप डाइट पर फोकस नहीं करेंगे तो आप चाहे जो एक्सरसाइज कर लें, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मेरी डाइट की वीडियो जल्द ही आने वाली है, आप उस डाइट को ज़रूर फॉलो करें और उसके साथ में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें मेरे वीडियो को उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।